Hey friends, this is RJ Rahul and you are listening to your favorite show Gadget Cafe on your Radio Udaan, a flight of life. Let's explore. Friends, Bluetooth headphones ka review karne ke baad bahut sare listeners ki queries aa rahi thi Bluetooth speaker ko lekar aur saath hi saath unki demand thi ki jald se jald main apne show mein kisi Bluetooth speaker ka review lekar aaun. To lijiye main hazir hoon aaj ek Bluetooth speaker ke saath. और इसका रिव्यू करने के लिए आज मैंने शो में एक बार फिर एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है. ये हमारे रेगुलर लिसनर हैं और एक बात इनकी जो सबसे अच्छी मुझे लगती है कि ये हमेशा मुझे फीडबैक देते हैं मेरे हर शो के लिए. तो मैं आज इनवाइट करना चाहूंगा अपने शो में मिस्टर योगेश गोयल को. योगेश जी, वेलकम टू द शो. और सबसे पहले कैसे हैं आप? जी राहुल जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, मुझे अपने शो पर इनवाइट किया रिव्यू करने के लिए स्पीकर का. सो सबसे पहले तो थैंक यू और मैं बिल्कुल ठीक जी. तो योगेश जी, बताएं हमारे लिसनर्स को कि आप क्या करते हैं और कहाँ से हो आप, ये जरूर बताइएगा. और साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि आप लिसनर्स को बताएं कि कौन से स्पीकर हैं जो आप आज रिव्यू करने वाले हैं हमारे शो में, और इनका एक ओवरव्यू भी जरूर दीजिएगा हमारे बिजनेस को. जी राहुल जी, मैं एक अपने बारे में अगर बताऊं तो मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं आगरा से हूं, आगरा यूपी से बिलोंग करता हूं. और फिलहाल मैंने अभी 12th कंप्लीट किया है अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ग्रेजुएशन करूंगा. तो फिलहाल हम जानते हैं जिसका हम रिव्यू करने वाले हैं वह है एक छोटा सा पोर्टेबल JBL ब्लूटूथ स्पीकर. अगर हम इसका मॉडल नंबर की बात करें तो इसका है JBL ट्यून के नाम से आता है, JBL ट्यून ब्लूटूथ स्पीकर, जो कि इस समय मेरे हाथ में है. और काफ़ी अच्छा स्पीकर है एक, बिकॉज लुक में काफ़ी स्टाइलिश स्पीकर है, काफ़ी लाइट वेट है ये. बिकॉज इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी स्लीक एंड स्टाइलिश है. तो अगर मैं स्पीकर के बारे में इसमें बात करूं तो इसमें, बिकॉज ये स्पीकर मुझे इसलिए अच्छा लगा और क्योंकि इसमें ब्लूटूथ के साथ साथ इसमें और भी काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जिनके बारे में बात करूंगा और उनका डेमोंस्ट्रेशन देने की भी कोशिश करूंगा. बट उससे पहले मैं स्पीकर के बारे में अगर बताऊँ आपको तो इसमें ब्लूटूथ वर्जन का 4.0 है और इसमें 5 वाट का स्पीकर है, डुअल स्पीकर है ये. इसका इसमें एक डिस्प्ले है बीच में और इसका जो प्लेबैक टाइम है वो है, अगर हम इसको चार्ज करते हैं तो उसके बाद जो इसका जो प्लेबैक टाइम है वो है 5 से 6 घंटे अगर हम इसको ब्लूटूथ पर कंटिन्यू चलाते हैं तो. और बाकी अगर हम इसको और अगर ब्लूटूथ के अलावा किसी और मोड पर चलाते हैं, जैसा इसमें मोड दिया हुआ है, जैसे इसमें ब्लूटूथ है और उसके साथ में इसमें है FM ट्यूनर एक, और उसके साथ में ये सपोर्ट करता है ऑक्स केबल को भी. ऑक्स केबल के जरिए भी हम इसको किसी अदर डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है, अगर हम इसको ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट नहीं करना चाहते तो. उसके अलावा इसमें एक और फीचर है, एक और इसमें स्लॉट है जिसमें हम माइक्रो SD कार्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, बिकॉज उससे क्या होगा कि हमें किसी अदर डिवाइस को कनेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ज़्यादातर स्पीकर होते हैं इनमें केबल इतने सारे फीचर नहीं होते, केबल ब्लूटूथ और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्स केबल का सपोर्ट होता है. बट ये एक ऐसा स्पीकर है कि इसमें ब्लूटूथ के साथ साथ ऑक्स केबल तो है ही, साथ में इसमें FM भी है और एक माइक्रो SD कार्ड भी दिया जाता है जिसको हम इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर. और इसमें अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें ऊपर की साइड एक डिस्प्ले है, छोटा सा डिस्प्ले है, और साइड में इसमें 3 बटन्स दे रखे हैं, ऑन ऑफ स्लैश चेंज मोड का है, और उसके बाद में जो बटन है वो है चेंज का, जिससे हम प्रीवियस एंड नेक्स्ट कर सकते हैं. बाद में इसमें बटन दे रखे हैं, पॉज का है, और जो 2 बटन हैं वो हैं वॉल्यूम के. बाकी अगर हम इसके नीचे की साइड देखें तो नीचे की साइड एक माइक दे रखा है, जिसके जरिए हम अगर हम इसमें बिल्कुल नीचे की साइड एक माइक है
जिसके जरिए हम अगर ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हैं और उस दौरान हमारे पास कोई कॉल आता है तो हम माइक के दे रखा है उस वक्त हमारा माइक काम करता है। बाकी लिसनर्स में लिसनर्स को बताना चाहूँगा, मैं इसमें नीचे स्लॉट दे रखे हैं। पहला इसमें स्लॉट है ऑक्स केबल का, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, जिसके जरिए हम ऑक्स केबल को कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा स्लॉट है नीचे की साइड बिल्कुल, वो है हेडफोन का। इसमें एक और फीचर है कि हम हेडफोन को भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी एक और स्लॉट दे रखा है इसमें जो है एचडी कार्ड का, माइक्रो एचडी कार्ड का, जिसके जरिए हम अपना माइक्रो एचडी कार्ड इसमें इंसर्ट करके और सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं। और उसके बाद में एक लास्ट दे रखा है इसमें चार्जिंग पॉइंट। तो इस तरीके से ये काफ़ी एक अच्छा स्पीकर है। और अब मैं इसकी बात करता हूँ, इसमें अनबॉक्स करते हैं हम इसको और देखते हैं इसके बॉक्स में क्या क्या है इसके साथ में, और उसके बाद हम करते हैं इसको ब्लूटूथ डिवाइस से पेयर और देखते हैं कैसा इसका साउंड है क्या है। डेफिनेटली योगेश, करते हैं फटाफट से इन ब्लूटूथ स्पीकर का रिव्यू, बट उससे पहले सुनाते हैं हम अपने लिसनर्स को एक प्यारा सा सॉन्ग। Tira.
सॉन्ग के बाद फटाफट करते हैं इन ब्लूटूथ स्पीकर का रिव्यू, और साथ ही साथ योगेश जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी दे हमारे लिसनर्स को। ओके, तो इसको करते हैं अनबॉक्स, देखते हैं इसके बॉक्स में इसके साथ क्या मिला है हमें, और इसके साथ में फिर हम देखेंगे इसको ब्लूटूथ डिवाइस से पेयर करके कैसा इसका साउंड है क्या है। तो मैं इसको बॉक्स में अगर हम देखें तो इसमें सबसे ऊपर स्पीकर है जो कि मेन है, इसको अगर हम अलग निकाल सकते हैं तो साइड में हमें मिलता है इसके नीचे एक USB जिसके थ्रू हम इसको चार्ज करेंगे, बट आई थिंक इसमें चार्जर नहीं दिया है इन्होंने, केवल USB केबल दिया है जिसके थ्रू हम किसी भी हमारे पास अगर कोई चार्जर है तो उसके थ्रू हम इसको चार्ज कर सकते हैं। बाकी इसके नीचे इन्होंने दिया एक स्ट्रैप, स्ट्रैप मैं यहाँ पर पीछे स्ट्रैप लगाने के लिए इन्होंने स्लॉट दे रखा है, अगर हम कहीं वॉक पर जा रहे हैं तो स्ट्रैप इसमें लगा के इसको हाथ में ले जा सकते हैं जिससे वो गिरेगा नहीं। और उसके बाद दे रखी है इन्होंने एक ऑक्स केबल जिसके बारे में मैंने पहले बताया था कि इसको आप किसी भी डिवाइस से ऑक्स केबल के जरिए कनेक्ट कर सकते हो। बाकी इसमें और नीचे दे रखा है एक पाउच जो कि सबसे अच्छा है, जो इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, इसमें नीचे दिया है एक पाउच जो कि स्पीकर हम इसमें रख सकते हैं, पूरा कवर करता है ये स्पीकर, और ये पाउच काफ़ी अच्छा है, वेलवेट से बना हुआ है तो ये आपके स्पीकर को काफ़ी मतलब पूरा कवर करेगा, जो कि इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। और इसके बाद में बस इसमें इंस्ट्रक्शंस गाइड दे रखी हैं, मैनुअल है और नीचे एक वारंटी कार्ड है इसका जो कि 1 ईयर की इसकी एक वारंटी है, जिसमें हम कोई भी अगर इसमें दिक्कत आती है तो इसके सर्विस सेंटर पर सही करवा सकते हैं। तो खैर अब मैं इसको आपको ब्लूटूथ डिवाइस से पेयर करके बताता हूँ। तो मेरे हाथ में ये स्पीकर है और स्पीकर में इसमें लेफ्ट साइड में जो पहला इसका बटन है जो कि पावर ऑन स्लैश ऑफ का है, और उसी बटन से हम इसके जो मोड हैं जैसे FM ट्यूनर है, ब्लूटूथ है, ये सब इसके मोड हैं, उसी बटन से हम चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस बटन को होल्ड करता हूँ, जो पावर ऑन का जो बटन है मैं इसको होल्ड करूँगा तो ये ऑन होने का इसमें साउंड आएगा, देखते हैं। ये इसका ऑन होने का साउंड है, और अगर हम थोड़ा वेट करें तो एक और साउंड आएगा, ये साउंड है, इससे हमें पता चलता है कि ये जो स्पीकर है वो ब्लूटूथ पेयरिंग मोड पर चला गया है। और अब हम किसी भी डिवाइस को, फिर चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो, उसको हम इस स्पीकर से जो ब्लूटूथ स्पीकर है इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं मेरे पास एक फ़ोन है, मैं इसको स्पीकर से कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो मैं पहले ब्लूटूथ सेटिंग में जाता हूँ। तो इसकी मैं इसकी सेटिंग्स में चलता हूँ फोन की, और देखते हैं यहाँ पर। ओके, ब्लूटूथ ऑफ दिखा रहा है ये, और मैं इस पर डबल टैप करके इसको ऑन करता हूँ। ओके, देखते हैं यहाँ पर JBL के नाम से आना चाहिए। ओके, डिवाइस आई थिंक आ चुकी है यहाँ पर, और मैं इसको डबल टैप करता हूँ। ओके, JBL जब आप अपने ब्लूटूथ सेटिंग में जाएंगे तो आपको JBL ट्यून के नाम से मिलेगा, और हम जैसे ही इस पर डबल टैप करेंगे तो एक स्पीकर में भी एक साउंड आएगा, मैं सुनाता हूँ। देखिए स्पीकर में एक साउंड आया, इससे हमें पता चलता है कि जो भी हमारी डिवाइस है वो इसके साथ कनेक्ट हो चुकी है, और हम जो भी अपने मोबाइल में काम करूंगा, जो भी टॉकबैक का जो फीडबैक है, जो TTS है, उसका साउंड आपको स्पीकर में आएगा। देखिए ये इसका साउंड आ रहा है। तो फिलहाल मैं इसमें एक सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ उसका कैसा साउंड है क्या है, हालांकि ज़्यादा इसमें कुछ पता नहीं चलेगा जब तक आपके पास में स्पीकर नहीं होगा, बट फिर भी देखते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर एक सॉन्ग प्ले करता हूँ और देखते हैं इसमें कैसा साउंड आता है। मैं इसका थोड़ा स्पीकर का साउंड बढ़ा देता हूँ।
us about this treasure. Hide it from the sun, keep the winter. Save it for the dark, for the shelter. When everything is burning, you make me shiver. Breaking through the ice into the blue. Breaking through the fear of me and you. Pedal to the flow, accelerated. You open. इसको ओपन करते हैं फिलहाल. बाकी काफी अच्छा इसका साउंड है बिकॉज एक काफी अच्छा साउंड देता है. तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि आप लिसनर से कि इसको आप जरूर लीजिए बिकॉज एक काफी अच्छा स्पीकर है क्योंकि एक तो हमें ये अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है. इसकी 3000 समथिंग इसकी प्राइस है और इसमें ब्लूटूथ के साथ साथ और भी काफी सारे फीचर्स मिलते हैं. तो आई होप आपको ये भी अच्छा लगा होगा. तो ये था लिसनर्स रिव्यू JBL ट्यून स्पीकर्स का और बहुत ही अच्छे स्पीकर्स हैं, बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ आते हैं. हालांकि इसका जो MRP है वो है अराउंड 5,990 बट आपको इजीली ये 3,100 के आसपास मिल जाएंगे किसी भी ऑनलाइन स्टोर से या फिर ऑफलाइन भी आपको अच्छी ऑफर्स स्पीकर्स के साथ मिल जाएंगी. वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का और मिलेंगे हम इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद. मेरा नाम रिया है, मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ. स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है. मित्र ज्योति जो दृष्टि बाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है. मेरा नाम संयुक्ता है, मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ. मुझे पढ़ना बहुत पसंद है लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था. मित्र ज्योति दृष्टि बाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान. मेरा नाम संजना है, मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ. यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है. आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625. वेबसाइट www.mitrajyoti.org. ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org. धन्यवाद. आंखों को झुका के रख ले, गोरे गोरे गालों को छुपा के रख ले. ओ नीवी नीवी आंखों को झुका के रख ले, गोरे गोरे गालों को छुपा के रख ले. ऐवें करी ना की, ऐवें करी ना की, ओ ऐवें करी ना किसे दे नाल प्यार. मुंडिया तो बच के रही, तू हुणे हुणे होई मुटियार. मुंडिया तो बच के रही, तू हुणे हुणे होई मुटियार. मुंडिया तो बच के रही.
कहानियां दिल की गलियों में मेरी ही दिशाया नहीं तेरे जैसी नहीं तेरे जैसी सोनी कोई ना दिलवालों की नगरी दिल्ली में मिलेंगे दिल। वो कैसे? वो ऐसे उड़ान एम्पावरमेंट ट्रस्ट ऑर्गेनाइज कर रही है दिल्ली में इंक्लूसिव मैट्रिमोनियल मीट फॉर ऑल एबल्ड एंड डिसेबल्ड। इस गेट टुगेदर का हिस्सा बनने के लिए हमें क्या करना होगा? इस गेट टुगेदर का हिस्सा बनने के लिए आज ही लॉग इन करें www.radioudaan.com उड़ान मैट्रिमोनियल गैदरिंग पर क्लिक करें, अपनी प्रोफाइल सबमिट करें। वाओ, फिर तो मैं भी इस गेट टुगेदर का हिस्सा बनूंगी। वेलकम बैक आफ्टर दिस म्यूजिकल ब्रेक। और अब बात करेंगे हम कल लॉन्च हुए वीवो के X21 की। सबसे पहले जानते हैं कि इसके साथ आपको एसेसरीज क्या मिल रही हैं। तो एसेसरीज में आपको एक टाइप 2 यूएसबी डेटा केबल मिल रही है, साथ ही साथ आपको एक फास्ट चार्जर मिल रहा है जो कि है 5 वोल्ट 2 एम्पियर से 9 वोल्ट 2 एम्पियर का। इसके साथ आपको एक केस मिल रहा है जो कि स्टिफ केस है, और ये काफी अच्छी बात है क्योंकि ये ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाता है आपके फोन को एज कम्पेयर टू दैट सॉफ्ट वाला केस। और इसके साथ आपको वीवो का ही एक ग्लास प्रोटेक्टर भी मिलता है। अगर बात करें इस फोन की तो ये फोन है 6.28 इंचेस का सुपर एमोलेड फुल एचडी प्लस स्क्रीन के साथ आता है। ऊपर छोटा सा एक नॉच दिया गया है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है आपको इस फोन में, और साथ ही साथ आपको इसमें मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन। अगर बैक की बात करें तो थोड़ी सी कर्व्ड है बैक, और वो भी आपको मिलती है ग्लास की। तो काफी अच्छा इंटरेस्टिंग सा और गुड लुकिंग डिजाइन है इस फोन का। अगर इसके पीछे कैमरा की बात करें तो जो इसका रियर कैमरा है वो डुअल रियर कैमरा है, और उसका कॉम्बिनेशन है 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का, जिसके साथ आपको अपर्चर मिलता है f1.8 का। उसके ठीक नीचे दिए गए आपको एक LED फ्लैश, और नीचे की तरफ वीवो की ब्रांडिंग दी गई है जहां लिखा है डिजाइन्ड बाय वीवो। अगर हम इसके साइड्स की बात करें तो एक तरफ कुछ भी नहीं है और दूसरी तरफ पावर बटन और साथ ही साथ वॉल्यूम रॉकर्स दिए गए हैं। और इसके अलावा अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो वहां पे आपको मिलेगा एक 3.5 mm का हेड जैक, साथ ही साथ सेकेंडरी माइक्रोफोन भी। इस फोन के डिजाइन की बात करें तो काफी चेंजेस किए, काफी गुड लुकिंग बनाया है इस फोन को। और एक जो नया चेंज किया है इस फोन में तो वो ये है कि जो सिम स्लॉट्स हैं वो नीचे की तरफ दिए गए हैं इस बार, और वो है हाइब्रिड सिम स्लॉट्स, यानी कि आप दो नैनो सिम यूज कर सकते हैं या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं। और इसके बिल्कुल साथ आपको मिलता है माइक्रो यूएसबी पोर्ट, और उसके साथ प्राइमरी माइक्रोफोन, और साथ ही साथ उसके आपको मिलेगा स्पीकर ग्रिल। ऑलमोस्ट आपको इसमें एज टू एज डिजाइन मिलता है। और जो इसमें फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो वो दिया गया है 12 मेगापिक्सल का, और ऊपर ही स्क्रीन पे आपको एक छोटी सी नॉच भी मिल जाती है। सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ साथ आपको फेस आईडी अनलॉक फीचर भी मिलता है। जब आप पहली बार इस फोन को सेटअप कर रहे होंगे तो थोड़ा सा डीप प्रेस करना पड़ेगा आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर अपना सेटअप करने के लिए, और जब आप उसको कर रहे होंगे तो वहां पर एक लाइट सी भी जलेगी। ये
काफी फ्यूचरिस्टिक फोन लग रहा है और सबसे अच्छी बात मुझे इस फोन में ये लग रही है कि फेस आईडी फीचर तो दिया ही दिया है और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है और जो कि काफी नया इनोवेशन है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का। डिस्प्ले की बात करें तो जो कलर्स हैं वो काफी अच्छे इस फोन में दिखते हैं, काफी अच्छा रेजोल्यूशन है इस फोन का, जैसे कि सुपर एमोलेड टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है और फुल एचडी प्लस स्क्रीन है, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और बहुत ही अच्छी स्क्रीन की क्लैरिटी है। अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो भैया बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, बस आप एक बार टच करो और आपका फोन अनलॉक हो जाता है। और वहीं फेस आईडी की बात करें तो वो भी वैसे ही इंस्टेंटली अनलॉक कर देती है आपके फोन को जैसे ही फोन में आप देखते हैं। अब बात करें अगर हम इसकी बैटरी की तो बैटरी आपको मिलती है इस फोन में 3200 mAh की। स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर मिलता है आपको, 6GB रैम मिलती है और साथ ही साथ 128 स्टोरेज भी मिलती है आपको इस फोन में। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको मिलता है एंड्रॉयड 8.1 और साथ ही साथ इनका वन टच ओएस। बात करें अगर हम इसके कैमरास की तो जो रियर कैमरा है उससे जो पिक्चर्स क्लिक की गई हैं तो वो काफी ज्यादा डिटेल्ड में आई हैं और काफी सारे मोड्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं, प्रोफेशनल मोड भी मिल जाता है इस फोन में आपको, जिससे कि आप मैन्युअली सभी फीचर्स को एडजस्ट कर सकते हैं, पोर्ट्रेट मोड, फोटो मोड, ब्यूटीफिकेशन मोड, सभी तरह के आपको इसमें मोड मिल जाएंगे। और अगर हम इसके सेल्फी कैमरा की बात करें तो वो भी काफी अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर लेता है। 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है और साथ ही साथ पीछे भी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया 12+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप मिल जाएगा आपको इस फोन में। एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि जो भी पिक्चर्स इस कैमरा से ली गई काफी ज्यादा डिटेल्ड पिक्चर्स आती हैं और ये काफी अच्छा लगा। इस बार वीवो ने नंबर गेम नहीं खेला कैमरास के साथ जो कि आगे वो करता है 20 मेगापिक्सल 24 मेगापिक्सल, इस बार उसने वाकई में ध्यान दिया है इसकी कैमरा क्वालिटी पर जो कि बहुत जरूरी होती है और साथ ही साथ काफी बैलेंस्ड फोन है, मुझे तो वाकई में बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इंडिया का पहला फोन बन गया है जिसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। अब मैं ये कह सकता हूँ कि वीवो शायद सही ट्रैक पर चल पड़ा है जहाँ पे वो डिजाइनिंग पर भी ध्यान दे रहा है, क्वालिटी पर भी ध्यान दे रहा है और नंबर गेम में नहीं पड़ रहा कैमरास की जैसे कि वो पहले पड़ता था। बैलेंस्ड फोन दिया है, हार्डवेयर बहुत अच्छा है, 660 प्रोसेसर दिया है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है, कैमरास भी बहुत अच्छे हैं, तो मेरा ओपिनियन तो इस फोन के बारे में आप जान ही गए होंगे। आज मैं पहली बार कह रहा हूं किसी को कि वीवो का अगर आप फोन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस फोन के लिए जा सकते हैं। तो ये था सिनेरियो वीवो X21 को लेकर। तो अब वक्त हो गया है एक म्यूजिकल ब्रेक का, मिलेंगे म्यूजिकल ब्रेक के बाद अपने टेक न्यूज सेक्शन में। My son is 23 years old. He just graduated. Pata hai aapko? He has never really enjoyed his school picnics or family outings. Hum saath to chalte hain, lekin he has never experienced a regular holiday. The things you and me do, see, jaise playing in the sea, exploring new places, it's always been a half experience for him. Bas gaye aur aa gaye. कुछ खास नहीं किया। कई बार तो मैं बहुत डरी हुई भी रहती हूं कि विल देयर बी एनीबॉडी टू हेल्प हिम एट एवरी स्टेज इन हिज लाइफ। इट्स टाइम फॉर अ चेंज। आई नॉमिनेटेड माय सन फॉर एनेबल ट्रैवल 70 ट्रिप्स टू फ्रीडम। अब वो अपनी पहली रियल हॉलिडे पर जाएगा एंड मे बी ही विल रीलिव ऑल दोज मेमोरीज ऑफ हिज लॉस्ट हॉलीडेज। Nominate your disabled friend or your disabled family member for Enable Travel's 70 Trips to Freedom. Send them on the best holiday of their life. Hey!
जबानी शेख हमारे मेरे आसरे पास है मुटी रिनाल बिले चिक्का करते सवारी तिचो पंजी पहाड़े तो अब कैसे मचाए रखी है हाला लाला बैलियों की छाई हुई है लड्डू शबाब जवानी लुक मचाई है सारी गुड़ियों की शामत आई है एक से बढ़कर अनेक हसीन मेरा दिल चुराने वाली महाजबीन जमी मस्तों की जब टोली बुलेट से तेज काली गोली कहता है दिल हम चोली फूको जैसे हर दिन होली फुकरी मारे फुकरे सर कर जे के ठोकरे दर दर खाते ठोकरे बेपरवा असी छोकरे स्वर्ग न झूठा अपनी जवानी लोकानु पौंदी हर पास वेखो स्वर्ग न झूठा अपनी जवानी शेख हमारे स्वर्ग द चुटा अगले इश्क दी तू कोकी जोड़ चढ़े अमल दी कोकी रज रज पीनी रूड़ी मार सूखी समझ तू अपने आप नु लक्की अड़गी मैड की जिसके जान बन के रहेगी कबरू की शान जाग उठे हम दादा दुनिया सोनी सितक सितक किस्मत भी रोनी चिट्टे दी नास यारो ओए होशो हवास प्यारो काली नागनी के खेखन कैसे करती बदवास स्वर्ग द चुटा Jabani, no plan, no pondi, har pas vekho. Swarg na chuta, patni Jabani, shake ya mare, mere asre pasre. Chidal che tattoo banaiye na pyar, ch kudi nu gumode ode pyo dikar, ch mola che shopping karwa di shock na, lekin bhi us da use kari da chorna. Gota di mehak pari de tha sharab, ukad bakre te naal suni mutiya. Tere hile ne haasi kharche da jugaad. पर देना हिस्सा फुकरी मारे फुकरे सर कर जे के ठोकरे दर दर खाते ठोकरे बेपरवा असी छोकरे स्वर्ग न झूठा जबानी लोकानू पौंदी हर पास देखो स्वर्ग न झूठा जबानी शेख हमारे मेरे आसरे पासे
साथ तेरा बन जावा। दृष्टि दिव्यांग जन के सपनों को देता पंख, मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। बिल्डिंग ट्रस्ट, कंस्ट्रक्टिंग ऑप्टिमिज्म सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. Welcome back after this musical break. और अब वक्त हो गया है टेक न्यूज का, तो चलिए बढ़ते हैं अपने टेक न्यूज सेक्शन में। जो सबसे पहला अपडेट आ रहा है वो है पतंजलि की तरफ से, और पतंजलि का अब आपको सिम भी मिलेगा, यानी कि बाबा रामदेव ने जो है अब सिम कार्ड्स के तरफ भी अपना रुख कर लिया है। ये पतंजलि जो है ना, मुझे बिल्कुल शाओमी की तरह लगती है, जैसे शाओमी हर चीज में घुस जाता है, कभी कुछ लाता है कभी कुछ लाता है, वैसे ही हमारी जो पतंजलि है वो किसी भी फील्ड में चली जाती है। तो काफी समय से डिमांड थी कि एक सिम भी निकाला जाए, पतंजलि सिम, तो लीजिए टाइप कर लिया है बाबा रामदेव ने BSNL के साथ और एक निकाल दिया है सिम कार्ड जिसका नाम है पतंजलि स्वदेशी समृद्धि सिम। इसको यूज करने पर आपको काफी सारी ऑफर्स और डिस्काउंट्स मिलेंगे पतंजलि प्रोडक्ट्स पर, तो आप यूज कर सकते हैं, और अगर आप पतंजलि यूजर हैं तो आपको काफी सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो अपडेट आ रहा है वो IRCTC की तरफ से, और इनकी वेबसाइट का कम्प्लीटली मेकओवर हो गया है। जो इनका लेआउट है वेबसाइट का वो बिल्कुल चेंज हो गया है, और अब आपको कुछ अच्छा यूजर एक्सपीरियंस मिल सकता है इस वेबसाइट पर। और फ्रेंड्स, जब भी अब आप नेक्स्ट टाइम बुक करें टिकट, तो प्लीज मुझे बताइएगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। नेक्स्ट जो अपडेट आ रहा है वो आ रहा है शाओमी की तरफ से, और शाओमी का MI8 वो लॉन्च होने वाला है 31 मई को, और साथ ही साथ ये भी रूमर्स आ रहे हैं कि इसका एक छोटा भाई भी जरूर साथ में आएगा। नेक्स्ट जो अपडेट आ रहा है वो आ रहा है सोनी की तरफ से, सोनी ने अपने हाई एंड टीवी लॉन्च कर दिए हैं, और जो 85 इंचीज वाला टीवी है उसका प्राइस है 13 लाख रुपए, और 13 लाख रुपए में 100 रुपए कम। जो 65 इंच वाला टीवी है वो है 3,40,000 रुपए का, और 55 इंच वाला इससे थोड़ा सा सस्ता है। भैया टीवी तो जरूर महंगे होते हैं, बट जो सोनी की क्वालिटी है बहुत ही जबरदस्त होती है, अभी तक कोई भी कम्पीट नहीं कर पाया सोनी को टीवी की कैटेगरी में। टीवीज अभी भी नंबर वन होते हैं सोनी के, सोनी कभी भी अपनी पिक्चर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता अपने टीवीज में, और यही मुझे इनकी सबसे अच्छी बात लगी है, और टीवी में मेरा फेवरेट ब्रांड है सोनी। नेक्स्ट जो अपडेट आ रहा है वो आ रहा है शाओमी की तरफ से ही, और शाओमी का MIUI 10 ये भी 31 मई को लॉन्च हो जाएगा, और साथ ही साथ इनका जो Y2 है वो भी लॉन्च हो रहा है, वो हो रहा है लॉन्च 7 जून को। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है Alcatel की तरफ से, Alcatel ने लॉन्च किया है अपना एक बजट फोन जो कि है 9,999 रुपए का, और इसमें आपको MediaTek का 8735A प्रोसेसर मिलता है जो कि कुछ नया ही लग रहा है। साथ ही साथ इसमें जो आपको OS मिलेगा वो मिलेगा Android Oreo, और जो डिस्प्ले है वो इसमें मिलता है आपको 18:9 वाला, और नाम रखा है इस फोन का Alcatel ने 3B। नेक्स्ट जो अपडेट आ रहा है वो आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, और माइक्रोसॉफ्ट के CEO मिस्टर सत्य नडेला ने ये बोला है कि रोबोट्स के आने से फ्यूचर में, या AI का जब बहुत ज्यादा
एक्सेसिव यूज होने लग जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों की जॉब चली जाएंगी, लोग जॉबलेस हो जाएंगे, लोग तब भी काम करते रहेंगे और कोई ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो जॉबलेस हो जाएं। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है माइक्रोसॉफ्ट की सींग एआई एप्लीकेशन के लिए जो विजुअली इम्पेयर्ड यूज करते हैं, और ये स्पेशली iOS यूजर्स के लिए न्यूज है कि इंडिया में जो यूज करते हैं सींग एआई को, उनमें अब इंडियन करेंसी को रिकॉग्नाइज करने का फीचर आ गया है। और भी बहुत सारे चेंजेस हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। मेन हाईलाइट यही है इस ऐप की कि अब ये इंडियन करेंसी को भी रिकॉग्नाइज कर सकता है। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है गूगल के पिक्सल्स को लेकर, पिक्सल 3 और पिक्सल एक्सएल को लेकर रूमर्स आ रहे हैं, और ये है कि पिक्सल 3 जो है वो तो होगा स्टैंडर्ड फोन, बट पिक्सल 3 एक्सएल में आपको नॉच मिलेगी दूसरे फोन्स की तरह, और साथ ही साथ नीचे एक चीन मिलेगी जहाँ पे एक फ्रंट फायर स्पीकर मिलेगा। तो देखते हैं क्या निकल कर आता है। अक्टूबर में लॉन्च करता है हमेशा गूगल अपने पिक्सल फोन्स को, तो इस बार क्या लॉन्च करता है ये देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है यूट्यूब के लिए, और वो इजिप्ट से। इजिप्ट में यूट्यूब एक महीने के लिए बैन कर दिया गया है, और वो इसलिए क्योंकि एक 2012 में एंटी इस्लामिक वीडियो आया था, और उसके अगेंस्ट ये डिसीजन लिया गया है कि यूट्यूब को एक महीने के लिए बैन कर दिया जाएगा। करे कोई और भरे कोई। नेक्स्ट जो अपडेट आ रहा है हमारा वीवो एपेक्स के लिए, और वीवो एपेक्स लॉन्च होगा 12 जून को। इसके दो वेरिएंट्स होने वाले हैं, एक तो वही वेरिएंट होगा जो मैंने आपको बताया था, जो MWC में उन्होंने शोकेस किया था, यानी कि ऊपर की तरफ जिसका कैमरा निकलता है। साथ ही साथ इसका एक दूसरा वेरिएंट निकालने वाले हैं जिसमें नीचे की तरफ कैमरा दिया गया होगा। तो देखते हैं 12 जून को क्या करता है वीवो। अगर ये स्नैपड्रैगन 845 के साथ आ जाए तो मजा ही आ जाएगा, प्योर एक फ्लैगशिप फोन मिल जाएगा। हालांकि मैं पहले कभी भी वीवो के लिए रिकमेंड नहीं करता था, बट अब ये जो एक दो फोन निकाले हैं वीवो ने, तो काफी अच्छा इनोवेशन किया है। तो देखते हैं कि अब ये जो फोन आने वाला है वीवो एपेक्स, तो ये क्या होगा, देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका नाम शायद वीवो नेक्स हो सकता है। नेक्स्ट जो अपडेट आया वो आ रहा है गूगल इंडिया की तरफ से, और गूगल इंडिया बहुत जल्दी एक प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, और वो है समर विद गूगल। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हो रही हैं, इसलिए गूगल लेकर आया है समर विद गूगल नाम का एक प्रोजेक्ट, जहां पे बच्चों को सिखाया जाएगा कोडिंग कैसे करते हैं, और सिक्योरिटी के बारे में बताया जाएगा, और बहुत सारी नॉलेज दी जाएगी उनको कंप्यूटर रिलेटेड, और बहुत ही बढ़िया चीज़ है। देखते हैं कैसा जाता है उनका ये प्रोजेक्ट, और ये जो गूगल है इसको सिखाने वाला है अपने हैदराबाद वाले कैंपस में और गुड़गांव वाले कैंपस में। 4 वीक्स का ये प्रोग्राम है, हर हफ्ते एक असाइनमेंट दिया जाएगा बच्चों को, तो काफी इंटरेस्टिंग है। देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसा जाता है गूगल के लिए। नेक्स्ट जो अपडेट आ रहा है वो आ रहा है मोटो Z3 प्ले को लेकर, और एक इंटरेस्टिंग सा एक इनोवेशन कर रही है मोटोरोला इसके साथ। इसके साथ दे रही है मोटो मोड, जो लगाने पर आपका फोन बन जाएगा 5G। काफी कूल सा कॉन्सेप्ट है, यानी कि अगर आपका फोन अगर कुछ पुराना भी है और 5G आता है, तो ये मोड लगाने से आपका फोन बन जाएगा 5G वाला। तो देखने वाली बात होगी, देखते हैं क्या होता है, कब Z3 प्ले आता है और उसके साथ ये मोटो मोड आता है या नहीं, ये वेट करेंगे हम। नेक्स्ट जो अपडेट आ रहा है वो लिनोवो के Z5 को लेकर आ रहा है। बहुत सारे रूमर्स ऑलरेडी इसके लिए आ चुके हैं, तो अब ये लॉन्च होने वाला है 5 जून को। तो देखेंगे कि जो जो रूमर्स इसके लिए आए थे उनमें से कौन सा सच होता है। रूमर्स ये आए थे कि 45 दिन का स्टैंड बाय टाइम होगा इसका, 845 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर होगा इसमें, बेजललेस डिस्प्ले होगा इसमें, और साथ ही साथ 4 TB की स्टोरेज मेमोरी होगी। ऐसे बहुत सारे रूमर्स आ रहे थे, तो देखते हैं 5 जून को जब Z5 लॉन्च होगा तो क्या निकल कर आता है। बस आज टेक न्यूज में इतना ही फ्रेंड्स, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को रात को 9 बजे
अगर आपका कोई क्वेरी है या कोई कमेंट है तो उसे आप पोस्ट कर सकते हैं गैजेट कैफे विद राहुल फेसबुक पेज पर। अगर आपका कोई फीडबैक है तो लॉगिन कीजिए www.radiodan.com और साथ ही साथ हमारा यूट्यूब चैनल गैजेट कैफे विद राहुल, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे ही शोज अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन आ जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, टाटा गुड बाय टेक केयर, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ, हैप्पी लिसनिंग। हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन कंटेस्टेंट नंबर 4। तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। द टॉपिक ऑफ माय स्पीच इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट इज द सराउंडिंग इन विच वी लिव। इट इज अ सोर्स ऑफ लाइफ। Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। दिल दीवाने बंदोबस्त कर ले, तू स्वयं ही खुद को मस्त कर ले, सोच मत कर ले सटा सट गुना। इस जहां से मिलती बेबसी है, अपनी मुट्ठियों में ही खुशी है, ये खुशी अपनी फटाफट मना। कर ले गुना सटा सट। कहते हैं कि होते हैं जी, बिना आवाज के तू हो जा, तू हो जा, तू हो जा शुरू, शुरू हो जा, तू हो जा शुरू। किसी की जरूरत नहीं है तुझे, तू खुद ही है अपना गुरु। मिनटों के लिए तू लुप्त हो जा, राज की तरह तू गुप्त हो जा, कार्यक्रम अपना खटाखट बना। दिल दीवाने बंदोबस्त कर ले, तू स्वयं ही खुद को मस्त कर ले, सोच मत कर ले सटा सट। हा 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 है
हेलो दोस्तों, मैं मंचले मनीष लेकर आया आपके लिए कॉमेडी शो, कॉमेडी का क्रोकोडाइल। दो दिनों के बाद ससुर फिर दामाद को फोन मिला के बोला, दामाद जी तूफान की क्या खबर है? दामाद लगभग रोते हुए बोला, कूलर के आगे सो रही है, कहो तो बात करा दूं। तो इसी तरह हमेशा हंसने के लिए आप सुनते रहिए कॉमेडी का क्रोकोडाइल संडे शाम 7 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। शराब है बंदा ये बिंदास है, क्या बुरा और क्या खराब है, सिर्फ जीने का हिसाब है, जादू है सर चढ़ेगा और जो उतरेगी शराब है। चंपा चमेली गेंदा सब रास है, रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास 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 है, रस पीने की प्यास है।
हेलो दोस्तों, मैं मंचले मनीष लेकर आया हूं आपके लिए कॉमेडी शो, कॉमेडी का क्रोकोडाइल। कभी वो हमारा सिलेंडर उठा के ले जाते हैं, वो आके कहते हैं भाई और बहनों, सब्सिडी का बोझ सरकारी खजाने पे बढ़ रहा है, पिछले सिलेंडर सब्सिडी छोड़ दो। मैं बोलिया मोदी जी अपने सीए से ध्यान से चेक करवाओ, वो सब्सिडी का नहीं वर्ल्ड टूर का बोझ होगा। तो इसी तरह हमेशा हंसने के लिए आप सुनते रहिए कॉमेडी का क्रोकोडाइल संडे शाम 7 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।